तो साथियों जैसा आप लोग देख सकते हैं कि रात के 1 बजने को आ गए हैं और अभी मैं, मम्मी और दर्शन हम तीनों जो है ऑफिस से वापस आ रहे थे और रस्ते में हम लोगों को देखो क्या दिख गया भाई, क्या दिख गया, ये है शायद 24 आवर स्टोर है। हाँ, वैसे ये ग्रोसरी उसी प्रकार का लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि देखो अभी रात के 1 बज रहे हैं, अभी तक खुला हुआ है तो अब हम लोगों ने कुछ खा नहीं रखा, तो घर जाके खाना तो खाएंगे लेकिन उससे पहले कुछ स्नैक्स वैक्स खाने मन हो गया। मम्मी आप भी आ जाओ, खोल के दिखाओ ये गाड़ी, खोल के दिखाओ, खोलो मेरे मामा की गाड़ी है, इसकी मजाक उड़ा रही हूँ, देख लेना तुम। नहीं नहीं नहीं, हमारे नाना जी की गाड़ी है, तुम्हारे प्रिय मामा है ना। हमारी जो थार है वो खराब हो रही थी तो हम बहुत ज्यादा दुविधा में थे, तो उन्होंने बोला तुम मेरी गाड़ी ले जाओ बेटा, मेरी गाड़ी ले जाओ। दिल्ली की तरह क्या क्या खुल गया, 24 घंटे खुल गया रात की 1 बजे तो सही, 1 बज रहा है। मामा देखो यहाँ पे देखो कितने सारे वो है मैगी, अलग अलग प्रकार की मैगी, वाह एक ले चलते हैं आज खाएंगे उधर रात को, कैसा आइडिया होता है। ये वाला ये आग निकल, कुछ तीखा ले, वो तीखा ये ले, तो चिकन है यार, ये नहीं ले सकते, वेज लो। गिरा ये सारे चिकन के दिख रहे हैं मेरे को, पढ़ना पड़ेगा। ये नॉन वेज होंगे ऊपर वाले, फ्राइज देखो। हां लोंडे कुछ ले आ फटाफट यार, लेट हो रहे हैं। ये दिख रहा है वेज, ये वेज है गिरा, और ये लग भी शानदार है, कोरियन है यार, है ना, कोरियन नूडल्स। अब कोरियन छोरी अपने प्यार देगी अपन को, ऐसे मुंह बना कोरियन छोरी वाला, मुंह बना आंखें से छोरे ऐसे कर ले, अरे और ये अब मुंह पे उनके बाल होते हैं ऐसे ऐसे, आंखें होती है और ऐसे ऐसे ऐसी तो बात करते हो। लो मम्मी एक शानदार चीज दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने खूब सारी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक की प्राइस पूछूंगा आपसे, जैसे ये वाली कोल्ड ड्रिंक है ये हम लोगों ने क्या है बहुत ज्यादा वो इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रखी थी, तो हमारा एक दिन हो गया पीने का मन, ठीक है, और हम लोगों ने इसे गलती से उठा लिया और इसकी प्राइस पता करी तो हमारी क्या आंखें फटी फटी रहेगी, कितने की होगी सोचो, 200 1200 कैसे लिखा हुआ दिख गया आपको 200 बोल रहे थे 1200 की है, लेकिन तब भी तो आज भी ले लो, क्या दिक्कत है, दोनों फ्लेवर ले लेता सारे। सच बताओ और कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है और बताओ, कोई भी नई चीज आई है तो देखने क्या है। अच्छा जिसके 1200 रुपए ले रहे हैं, एक बार ट्राई करने वाले हैं। ध्यान आ गई क्या, क्या तेरे बर्थडे पे शैंपेन पता है क्या की थी, हाँ ये वाली फ्रूट फ्रूट शैंपेन, मैं नीता के जैसे बता रहा हूँ मुझे, तो पता है क्या हुआ था, हाँ कार्तिक नहीं था ना, हाँ हमने दो ली, हाँ तो हमने कहा भाई दो तो ठंडी कर दो, एक हमें खोल के दिखाओ कि कैसे खुलेगी, हाँ तब से दुकानदार मुझे जानता है, ये पहले क्लाइंट है जो बाहर रोड पे खुलवा के फिर देखा है कि कैसे चलती है, अरे शैंपेन कैसे चलती है, एक के पैसे तो रोड पे खर्च कर दी। अरे सुनो सुनो मेरे बर्थडे के दिन मेरे साथ क्या हुआ, आप लोग मेरे केक वे कटा रहे हो, ठीक है, मैं केक काट रहा हूँ बढ़िया, सब लोग खड़े हुए, अचानक से पता नहीं शैंपेन निकालने के बाद में आगे मेरे पिलाने, फ्रूट्स होती है फ्रूट्स, हाँ वो तो मैं समझ गया, तो ये नॉन बच्चों के लिए होती है, हाँ मुझे पता है नॉन अल्कोहलिक है, ठीक है, तो मेरे बर्थडे में लग रहा है अरे दारू की बोतल लोगों को कौन पिला रहा है क्या कर रहा है, तो हट रहा फिर मम्मी बोली ले पीले पीले, फिर समझा कि दारू नहीं है। नहीं तो उस दिन बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया था, कोई माँ पिलाएगी क्या दारू, सोच रही है। अरे तो मम्मा आप दिख थोड़ी देते मेरे को, वहाँ पे दूसरे मेरे दोस्त दोस्त थे, मेरे को लगा पता नहीं शैंपेन उड़ा के मुझे क्यों पिला रहे, इनको पता नहीं उड़ा कौन रहा था, जरा वो क्लिप भी डाल देते शैंपेन, एक तो तू उड़ा रहा था, क्लिप डाल देंगे ना, लो आप लोग क्लिप भी देख लो कि शैंपेन कैसे उड़ी थी मेरे बर्थडे पे, हमने कैसे सेलिब्रेट किया था। यार तो एक बात बताओ मम्मी, मतलब हम लोग तो आते हैं अकेले, है ना, तो हम लोग लेके आते हैं 200 रुपए, पर 200 रुपए को भी ऐसे खर्च करता है कि आप लोग मां और बेटे का फर्क नहीं है कि मैं पूरा घर चलाता हूं, ये तो हो गया अंडे झूठ लाते हैं हम पैसे हमेशा है, तो ये बस ये सोचते हैं खर्च करें नहीं करें, स्टारबक्स की भी यहां पे मिल रही है, क्या बात स्टारबक्स है, मम्मी ज्यादा मत सोचो, आ जाओ मेरे को आपको देख के मुझे शर्म आ रही है, ये भैया ऐसे कह रहे हैं, हां डार्क चॉकलेट लो, अभी हम डाइटिंग पे कहां गए वो, अभी हम डाइटिंग पे नहीं है, अच्छा इसलिए इस समय हम अच्छे से खा रहे हैं, जब डाइटिंग पे होते हैं फिर ये वाली खाते हैं, अच्छा ये वाली खाते होगे, मम्मी डायबिटीज हो जाती है इससे आपको पता नहीं है, आपकी उम्र हो गई अब तो, बेटा मैं आजकल मेहनत कर, उम्र हो गई मतलब क्या, मैं नहीं आ रही तेरे ब्लॉग में, अरे मजाक कर रहा था मजाक, जोकिंग हम नहीं बोलूंगा, माफ किया मैंने तुझे, माफ कर दो। और बाप रे लो एक चॉकलेट मैं भी लेना चाहूंगा, एक ये वाली चॉकलेट और एक ये वाली चॉकलेट, अब से मम्मी शॉपिंग करना आऊंगा आपको लेके आऊंगा हमेशा फॉरएवर, फायदे में रहेगा, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, डालो बात तो बहुत ज्यादा होगा, क्यों लिया ये खाली दिख रहा है, अभी अपन जाते हैं बाहर लोगों से मिलते हैं, मतलब किससे, अपने कार्यकर्ताओं से, कार्यकर्ता के लिए तेरे को माउथ फ्रेशनर की क्यों जरूरत पड़ रही है, अबे लगना चाहिए उनको, बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, माउथ फ्रेशनर बनाता है, शुगर है ना हमें, शुगर है ना, मुझे भी हो रहा है, दर्शील ऐसा क्या कर रहा है जो तूने मेरे को भी नहीं बताया, हैं आज तक तो मैंने देखा नहीं, फालतू बात है इंसान, देख अब मैं परफ्यूम लगाऊंगा, क्यों लगा रहा हूं परफ्यूम, बाल हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा ऐसी बात है क्या, खुशबू आनी चाहिए, यस यस मम्मा नहीं सही कह रहा है, ये क्या है, ये कुछ तो नया लग रहा है, ये तो घूम जाना चाहिए, अच्छा क्या है ये, कुछ जॉइंट्स हैं,
फालतू चीज है, चिंगम समझ रही थी कुछ खाने का चिंगम है। अबे नहीं क्या पता दरअसल फालतू बोल रहा हूँ, चिंगम ही हो किसको पता है, बिना देखे बोल दिया ये तो। वो क्या लिखा है? स्टैश प्रो, स्टैश प्रो जॉइंट है। अरे नहीं यार वहाँ पे एक लड़की सी बनी हुई है देख। हाँ वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है वो देख। बता बच्चों के लिए नहीं है, मैंने कहा ना तुम जा जाओ। ये बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी नहीं है, फालतू चीजें करनी नहीं है। क्या ये क्या है? ये एंटी फिल्टर। क्या होता है फिल्टर होता है? तेरे को कैसे पता? ओह कैसे पता? ओह कैसे पता इसको? कैसे पता? हाई डेंसिटी बेटर फिल्ट्रेशन। पढ़ के बोल रहा है। काई के लिए होता है ये? जैसे तंबाकू पेट में मुंह में नहीं जाए, वही रुक जाए। कैसे पता? अरे तो लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो ऐसे थोड़ी लिखा हुआ मुंह में नहीं जाए ये वाला सब कुछ, तुझे कैसे पता? हां तंबाकू तो लिखा हुआ ही नहीं उसमें, हल्दी वाला। ये दरअसल को आजकल ज्यादा पता हो रहा है, फिर मिंट भी खरीद रहा है, शक हो रहा है भाई। हजार चीजें पता है तेरे को? ये लिए। हाँ ये लिए। दरअसल बट तुम पकड़ना इसको। देखो कितना खुश हो रहा है। गनमैन दिखाऊंगा। मम्मा ये तो अपने पास भी हो सकता है। हो सकता मतलब क्या होगा? होगा। ओ, 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 चलो बेटा गेट खोलो सेंटर का। बड़ी बड़ी बातें नहीं। ये देख लो भाई बंदूक खतरनाक। शौक तो है मम्मी आपको भी है ना गनमैन वगैरह पूरा? राजपूत हूँ मैं भाई। हाँ नहीं मैंने देखा है राजपूतों का ज्यादा ही शौक होता है तलवारों का बंदूकों का। तो बेटा होती किस किस के लिए थी बंदूक तलवारें? अच्छा पहले राजपूत तो चलाते थे। अच्छा ऐसी बात है क्या? और ये तो अब हुई है ना बेटा। अच्छा अच्छा पहले राजपूतों का राज था तो वही करते थे। अच्छा ऐसी बात, सजा देना। हाँ जो भी गलती करते उसको ऊपर सजा देना पहले थोड़ा था ये सब चीजें। लेकिन फिर कोई भी मैटर हो जाए तो फिर वहाँ पे आता कौन था? कौन अंत में राजा जो करता था सलाह किससे लेता था? ब्राह्मणों से। बस तो बात खत्म। ब्राह्मण तो भगवान होते हैं। अच्छा चलो बढ़िया बात है। तो बेटा मैंने तो दोनों ही बन गई ना, मैं ब्राह्मण भी बन गई और राक्षस भी बन गई, दोनों मजे ले लिए मैंने तो। चलो बढ़िया बात है, जल्दी जल्दी चल लो खाली खाली सड़क। पढ़ने वाला था चपेड़, दो बार माफ किया तेरे को मैंने, दो बार छोड़ा इसने। क्या स्टीयरिंग? स्टीयरिंग? अरे मम्मा सुनो ये प्रोफेशनल ड्राइवर है, ये एक बार स्टीयरिंग छोड़ भी देगा ना तो भी एक्सीडेंट नहीं होगा, टेंशन मत लो, इसको सब चलानी आती है। मेरे तो हाथ अपने आप उड़ जाते हैं, दो बार तो मेरी आंखों से बच गया बस ये। हेलमेट पहन के आऊंगा मैं नेक्स्ट। हां हेलमेट पहन के आएगा। रुद्र के तो पड़े थे ना उस दिन। ओह उसके तो शानदार, उसके तो मैं कह रहा हूं रोज मारा करो आप दो चार उसके। उस दिन के बाद से आपने देखा नहीं कितना मेहनती हो गया रुद्र, उस दिन चाटे पड़ गए इस चक्कर में। रुद्र बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा है वो तो मैं कह रहा हूं, लेकिन अच्छा बच्चा हुआ कैसे चाटों से? आज मैं अच्छा बच्चा हूं कि नहीं हुआ? तेरे को तो मैंने अच्छा बनाने के लिए क्या क्या नहीं कुटाई करी तेरी। मेरे को पता नहीं डंडे बेलन पता नहीं किस किस से मार लिया इनने। तो गमला नहीं उठाया बनने भी कब से बात चल रही थी। हाँ यार गमला नहीं नहीं आप मत उठाओ, इतने 8-10 लोग हैं तो ये गमला नहीं उठा पा रहे सब मिलके। चलो कल उठा लेंगे। क्या गमला उठ जाएगा ना तो उसके हाथ में गाड़ी की पार्किंग में दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी फंस गया, लो मैं भी फंस गया। मम्मा अरे मम्मा बाहर से खोलो, बाहर से। अच्छा खोलो खोलो। पहले आपके मजे पिछली बार मैं ले रहा था, इस बार आप ले रहे हो। साथियों ये देख सकते हैं ये तो थी अपनी स्कॉर्पियो और ये आ चुकी है हमारी प्यारी थार जो खराब हो रखी थी। अभी अभी घर पे आई है गाड़ी जो है सर्विसिंग होके, अगर ये सर्विसिंग होके पहले घर पे आ जाती तो आज हम लोग सेंटर की जगह पे इसमें घूम रहे होते। यहाँ रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ रख देंगे इसको, यहाँ से हटा के यहाँ रख देंगे, फिर यहाँ पे गाड़ी पार्क करने में दिक्कत नहीं आएगी। यार गाड़ी कितनी साफ साफ लग रही है मम्मी। लो आ जाओ। हाँ भाई मम्मी कौन बोल रहा था मेरे को कि पापा सो गए होंगे? क्यों नहीं सोए पापा आप बताओ? मम्मी तो टेंशन में आ रही थी आप सो गए होंगे। तुम लोगों को बिना नींद आ सकती है क्या? ओहो हो पापा कैसी कैसी क्या दोनों के बिना? हाँ मम्मी सोती है आपके कमरे में तो मैं तो मेरे कमरे में सोता हूँ। शर्मा रहे तो मम्मी आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब पापा सिर्फ यही बोलेगी नहीं कि कल्पना के बिना नींद नहीं आएगी, फिर कार्तिक के बिना तो आ जाएगी? तो यही कहते हैं। अच्छा ऐसे ही बोलते हैं क्या? मतलब पापा मेरे सामने झूठ बोल रहे हो? तो तेरी देख इधर क्या है? अरे यार ये हटा लो, ये हटा लो, ये मत दिखाओ ब्लॉग करना, ये सारी चीजें रहने दो। ये देखना ये देखो दांत, दांत मेरे दांत चूहे ले गया था चूहे। देखो कार्तिक बॉडी, ओ बॉडी बिल्डर बॉडी दिखाता है। अभी पहले एक बार खाना लगा लो, फिर देखेंगे। ये देखो भाई पापा की फोटो और ये मम्मी की पुरानी फोटो। शुरुआत में मम्मा थे तो आप सुंदर। मम्मा पापा की फोटो दिखाओ, तो मेरे को ये दिखाओ कि पापा में ऐसा क्या था कि आप फिदा हो गए थे पापा पे उस जमाने में कैसे दिखते थे पापा, मेरे को दिखा दो आज। वैसे तो फिदा तो देख तेरे पापा हुए थे। अच्छा ये गलत बात मत कर। हाँ वैसे बात तो सच है। देख मैं तो इसलिए शादी कर रही थी कि भाई अब जब आदमी इतना फिदा हो रहा है तो चलो कर लेना चाहिए। अच्छा ऐसी बात है, नहीं ये बात सच है, मम्मी झूठ ही रही यार। पापा लगते तो ऋतिक रोशन देव समय यार, ये तो मैं और मेरे पापा। अरे तू देख ये देख, अरे ये वाली हटा दो, ये बचपन से देख तू, बचपन में कौन सा कम था ये। नॉटी बॉय ना, बचपन में बहुत अच्छा बच्चा था। ये लड़की मेरे को जबरदस्ती पकड़ रखी है, रो तो हो रही है
वो तो हंस रही है। अच्छा मैं रो रहा हूँ, देख मुझे देख मैं कितना वो लग रहा हूँ पीड़ा कष्ट के अंदर। देख तूने हाथ भी हवा में उठा रखा है। देख मैंने हाथ भी हवा में उठा रखा है, तो बचपन से ही जेंटलमैन था। तो फिर तू रशियन के साथ क्या कर रहा है? अरे रशियन नहीं है भाई, दर्शिल गोवा की है वो। विदेश की थी गोवा की नहीं थी इसे किस भी कहता है इंडियन नहीं लग रहा हूँ ठीक है नाटक नहीं। और किस वाली बात दर्शिल बताओ आप दर्शिल वो मैं शर्म की हंसी से हंसा था। मम्मी परेशान कर रही है मेरे को। ये मैंने सबूत रखा है, मेरी बहू आएगी ना हाँ। तो दिखाऊंगी ये छोरी बाज था बचपन से। बचपन से था, अब नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अब पता लगेगा धीरे धीरे। अभी तक तो नहीं है, बचपन में था थोड़ी बोल रहा, तो बचपन से ही था बोल रहा। बचपन से ही था और क्या, ये देख तू देख तू सरी देख क्या है ये। अरे मेरे खाने पे भी डाल दो तुम्हें लिया थोड़ी बात था। नहीं था भाई, नहीं था, गलत थी। देख सकते हैं आप लोग, मम्मी से कोई खाना बनाना सीख लेना तो मजा आ जाए, उसकी तो जिंदगी बन जाए जिंदगी। मम्मी ने प्याज की सब्जी ऐसी बना दी जिसके अंदर सिर्फ प्याज है, लेकिन ऐसी सब्जी है कि मजा आ गया। मजा मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जी है प्याज की सब्जी, जो मैं खा रहा हूँ ना ऐसी सब्जी है, ऐसी सब्जी आप लोगों के सामने बड़ी बड़ी सब्जियां फेल है। क्या चीज बेटा, आज तो सबको इतनी तो शॉपिंग कर लाया तो चॉकलेट होगी, अब क्या मेरे जान लेगा रात को। यार मम्मा मतलब मैं आज आपकी तारीफ ही नहीं करूंगा, आपकी तारीफ उसी दिन करूंगा जब कुछ चाहिए होगा। बेटा उसी दिन करता है तुम, मम्मा रोज कर रहा हूँ आजकल तो। यार गलत बात कैसे कर देता, रोज कुछ कंटेंट चाहिए आजकल। मैं आपसे क्या वो वीडियो बनवा लेता हूँ ना, मेरे यूट्यूब पे कंटेंट हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन तो पापा के साथ रहते हैं, काम कर रहे होते हैं ऑफिस के अंदर, तो व्लॉग दिखा नहीं पाते। अरे इस चक्कर के अंदर मेरी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। क्यों? मेरी फैमिली वाले कहने लग गए कल्पना तो इतनी खराब सी कैसे लग रही है, तू काली सी कैसे हो गई, इतनी आंख हो रही, जो डार्क सर्कल कैसे हो गए। तो मम्मा मेहनत कर रहे हो, परिवार वालों को तो ये लगता है ना कि हमारी बेटी के क्या हो गया। तो आपके परिवार वालों को और आपका परिवार क्या, मम्मा जो यूट्यूब पे आपको सब लोग देख रहे हैं ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी आपका परिवार ही है। ऐसा है तेरे यूट्यूब के जो फैंस है ना हाँ। वो तो मेरे बेटे समान है, फैंस नहीं होते मम्मा, मेरे साथी हैं। जो तेरे साथी हैं मतलब फैंस, मैं मेरी फैमिली वालों के मम्मी पापा के लिए फैंस बोल रही हूँ तो है तो मेरे मम्मी पापा ना हाँ। तो बेटा जो चाहने वाले होते हैं वो फैंस होते हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या, तू भी तो मेरा फैन है। यस मैं भी आप लोगों का फैन हूँ। कल मुझे कल किसी ने कुछ कह दिया था हाँ। थोड़ा कार्तिक और दर्शिल के बारे में। अच्छा मैंने कहा मैं एक बार सुन ले दर्शिल। सुन ले भाई, तू चैटिंग किससे कर रहा है रात को? अरे मम्मा नहीं नहीं मत दिखा वो तो तू कह देगा मम्मा, देख लिया ना, मिंट भी खरीद रहा था, चैटिंग भी कर रहा था, सब कुछ पता भी था, ऐसे देख लो चैटिंग ही कर रहा है, देख लो दिखा दे क्या कर रहा हूं फिर। वो नहीं दिखाऊंगा मैं किससे कर रहा हूं। बच्चा है, बच्चा है क्या? अरे आंटी शरीफ बच्चा है। अरे देख तो लो क्या कर रहा हूं, बस तो कह तो रही शरीफ है, शरीफ है तू, शरीफ कह तो दिया तू, तो दिखा क्यों नहीं अभी यहां पे। फिर वो मजे ले रहा है, ले दिखाया, दिखा ले, खुश हो जा। अपने इलेक्शन की कार्यकारिणी की लिस्ट बना रहा है भाई अपना, देख ले क्या, देख ले। हां यूआर टीम की लिस्ट बना रहा है, मान गया। नहीं तू देख ले ना, लास्ट पढ़ ले क्या प्रूफ के लिए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है ये। निवेदक पुष्पेंद्र भारद्वाज बस दिखे काम। हाँ काम की, सुन ले मेरी बात, काम की। हाँ मैं तुम्हारे चक्कर में भूल गई ना, मैं क्या चाहता आज को तुम्हारे लोग बोल दिया। हाँ आज किसी ने दो दिन तीन पहले तुम्हारे लिए कुछ मैसेज, किसी ने कुछ कोशिश की बोलने की कार्तिक और दर्शिल के बारे में। मैंने कहा मैं एक बार के लिए पुष्पेंद्र जी की बुराई सुन सकती हूँ? अच्छा नहीं, मेरे बच्चों की बुराई नेवर। अरे यार हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे से। क्या बोल दिया जो ऐसा, क्या बोल दिया हमारे लिए, कौन है भाई बताना पड़ेगा उसको। एक बार नाम नंबर दो मेरे को जरा। चलने दे चलने दे। नहीं तो ऐसा क्या बोल दिया, ये तो बताओ कि मेरे बेटे ऐसे नहीं हो सकते, ऐसा क्या बोल दिया बाढ़ लिया। कोई बात नहीं कर सकते अभी ब्लॉग पे, वो भी तुम्हारे ब्लॉग देखते हैं। जब वो भी ब्लॉग देखते हैं। ठीक है चलो ठीक है, तो खाना वाना खा लेते, बात पूरी पता कर लेते, फिर मिलेंगे आप लोगों से। दर्शिल मैं चॉकलेट खा रही हूँ, क्या कर रहा है तुम? रुद्र जाते बाहर कपड़े सुखाते हैं बातें करने, तो ले रहा था ना वो मिंट। मेरे को शक तो होता है कई बार, मैं दिखने में भी ठीक ठाक है, हो सकता है हो सकता है, होने को तो हो सकता है भाई, कमी तो है नहीं इस भाई में। क्या कर रहा है? त्याग कर रखा है। हाँ सही कह रहे हो, अंकल के इलेक्शन के चक्कर, पापा के इलेक्शन के चक्कर में। वरना तो बहुत गर्लफ्रेंड थी इसकी एक जमाने में, दौर था बचपन का, ये दौर जवानी है। वो जो कहानी थी ना वो वाली, जो रात को बंसिया को सड़क पे छोड़ दिए थे, वो भी इससे कुछ रिलेटेड ही है। किरदार दोनों का था। दोनों अपना बखूबी किरदार निभाते हुए। थोड़ी सी मैं
लेकिन बचपन की बातें हो गई। आप अरे मम्मा मम्मा शुगर बढ़ जाएगा तो बंद करके रख दो फ्रिज में, खा ले खा ले, नहीं खा नहीं खानी, मेरा मन नहीं है। ले यार खिलाओ, नहीं खिलाओ वेटेज का मजा साढ़े दो, ये जो आग में घी डाल रहा है मैं खिला दो यार, खिला दो नाटक। क्या कर दिया एहसान कर दिया, हाँ तो कर दो एहसान यार, बच्चे में ऐसा ऐसे बोलो तू भी गया तो और खिला देते सारा चॉकलेट, खाते तो नहीं मैं अपने हाथ से, तो खा लेता टेस्ट तो कर लेता कैसी थी हेज़लनट वाली, तो अभी नहीं खाने वाला था, सुबह खाता मैं आराम से, उंगलियां चाट रहा हूं, उंगलियां चाट रहा बैठ के यहां पे, ये वाली खाई है मैंने हेज़लनट वाली। यार एक लड़की है सुसु, बचपन में भी तेरी कितनी सुंदर गर्लफ्रेंड थी, तो मामा मेरी तो अभी भी सुंदर ही होगी, सुंदरी देख तू कितना बुरा लग रहा है इसके सामने, लेकिन अब मैं अच्छा लगने लग गया हूं। अच्छा तो तू उसमें भी लग रहा था देख, लेकिन वो इसके सामने लग रहा है। अच्छा नहीं तो एक बात बताओ, मैं इतना शर्मा रहा हूँ, रोया था उस दिन, रोया था ना, लेकिन तेरे को देख दर्शन इतने छोटे बच्चे को कुछ भी याद नहीं रहता, इसकी किस जरूर याद है, देख रहा हूँ बता दो किस्सा एकदम सच्चा है कि नहीं, ये किस दे रही थी, मैं चिढ़ रहा था, मैं बोल रहा मम्मा चाहे किस कर ले तो फोटो मत लो, और फिर आपने फोटो खींच दी थी, फिर मैं बहुत रो रहा था, याद है? अभी क्या कहना चाह रहे हो आप मेरे को, क्या मेरे को बहुत मजा आ रहा है जिन चीजों में, क्या मुस्कुरा कह रहे हो मम्मा, आप कितने बेकार हो, अरे बेटे को बदनाम करने में लगे रहते हो पूरे टाइम ही, क्यूट कार्तिके। ओए दर्शन तू सो कैसे रहे, नींद आ रही है यार, नींद आ रही है क्या, शेक पिएगा शेक, अरे मैं नहीं पी रहा शेक, अरे चलेगा पिएगा पिएगा, अरे चले पिएगा पिएगा, रुद्र का है, रुद्र का है, फोन चला रहा है, वो भी फोन चला रहा है, उसको तुरंत उठा और उसको किचन में खींच के ला, शेक पिएंगे अभी 10 मिनट में आ रहा हूं, तू मेरे को किचन में अगर नहीं मिला 5 मिनट में, चल ठीक है, ठीक है आ जा जल्दी आ जा, कपड़े पहन के आइए बनियान में बता दियो। तो साथियों देखो अभी हमने खाना वाना खा लिया है, ठीक है, और अभी हमारे प्यारे भाई रुद्र का मन हो रहा था, हां सही बात, इसका मन भी मेरा करते थे, मन भी मेरा करते, भाई सीधी बात तो है किसी का मन नहीं था, खुद का मन था, बस सब दोनों को आप बेबोक रखा है, सोने भी नहीं दे रहा, फालतू बातें कर रहा है, तो तुम्हें नहीं पीना, कहीं नहीं पीएंगे, फड़े तो पीएंगे, मेहनत कर रहे हो क्या पी लेंगे, एहसान कर रहे हो भाई, एहसान कर रहे हो, एहसान कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, ज्यादा मत बोल, ठीक है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण जातिवाद की लड़ाई, जातिवाद नहीं भाई, भाईचारा भाईचारा, आई नीड यू, नीड सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस, अरे सपोर्ट, हम ब्राह्मण भाइयों का सपोर्ट देखें, हम ब्राह्मण भाइयों का राजपूत भाइयों का पूरा सपोर्ट है, पूरा सिर्फ राजपूत भाइयों का नहीं बाकी भी जितने भाइयों का सपोर्ट है, क्या कर रहा है सपोर्ट दे रहा हूं, सपोर्ट ले मत करो, बताओ मत करो, वो बनाने दो मेरे को, पकड़ दो कैमरा में, ला भाई ला, लो कितना बड़ा ग्लास है बता दो जल्दी, जितना बड़ा तेरा दिल है, ये तो रुक गया, इसकी पीछे की वजह बता दे कि मेरे लिए छोटा ग्लास क्यों आ रहा है, क्योंकि तूने मना किया था कि ये बड़ा नहीं पिएगा, नहीं जेन्युइन बात ये है, जेन्युइन बात है, जेन्युइन मैं बड़ा बढ़िया में बनाता हूं, इसे बोला कि चाय के कप में पीऊं उसे टेस्ट करूं, क्या भाई इसको हटा, हटा इसको हटा, वाह तू बना रहा कम में, इसका पागल हो गया तू, पिट पिट ये मैं बहुत देता पिटेगा, मम्मी जा रहा हूँ आंटी को जगह, नहीं नहीं तू रुक जा, तुझे मम्मी को मत बोल कुछ भी, रुद्र ने बोला था पागल में जाकर, तो मजाक नहीं सीरियस बोला था, मैंने तो बोला सीरियस था पर अब इच्छा कर गई, बच्चा बच्चा मम्मी नहीं आ रही, मम्मी नहीं आ रही, सो गई आजा, अरे आजा नहीं सो गई, दर्शन कहाँ गया, दर्शन कहाँ गया, अब मम्मी सो गई नहीं आ रही, आजा लाजा नहीं आ रही, मम्मी सो गई, आजा आजा आजा, नहीं मम्मी सो गई, आजा डर लग गया।
पागल मेरे घर वाले से ले आ जाओ इधर आओ इधर आओ। देसी से भाई, देसी से दूध की कमी कोड़ियां, देसी पिट से भी लट से भाई। थैंक यू थैंक यू। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो आज से कुछ साल पहले हो गई लेकिन अगर वो गलती नहीं होती तो आज मेरा कैमरा कौन पकड़ता? भाई क्या कर रहा हूँ, तू क्या जहर मिला रहा है? भाई मैं तुम लोगों को मारना चाहता हूँ, मेरी बहुत पुरानी रंजिश है तुम्हारे से। वाह वो देखो दर्शील भट्ट को क्या हो गया, देखो उसको तुमने पहले ही जहर दे दिया था, इसलिए तो दर्शील भाई तो बिजी है। बिजी क्या कर रहा है, चैटिंग कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से? दर्शील के पास और बढ़िया काम है क्या? रील देख रहा है, यूट्यूब यूट्यूब देख रहा है, वो शॉर्ट्स देखता है इंस्टाग्राम पे। डाल ही जा रहा हूं मैं भाई, सुन मेरी बात। हाँ। इंसान को ही मार रहा है दर्शील, आज अपन दोनों जिंदा नहीं बचने भाई। दर्शील एक बार देख ले दर्शील, तेरा मन कर जाएगा पीने का। चॉकलेट सिरप और ये कौन सा है, स्ट्रॉबेरी सिरप। ओ भाई 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 भाई, 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 भाई। ये पागल हो गया दर्शील, आज तो गए अपन दोनों। मैं कह रहा हूँ जो तुम पियोगे ना तुम्हें मजा आ जाएगा पी। भाई शेफ कर दिए, ठीक है शेफ कर दिए, ठीक है। देख लो कितने स्टाइल से डाल रहा हूँ मैं एक एक चीज़। भाई लोग जो लोग कहते हैं राजस्थान सेफ नहीं है, आकर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, सीएम कुछ नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं जयपुर पुलिस का ऑफिशियल पेज है यहाँ पे। एक दिन पहले यहाँ पे हर दिन रात को पोस्ट होता है कि कौन सा नाइट पेट्रोल में कौन से ऑफिसर्स ड्यूटी पे रहेंगे। देख सकते हैं 12 से 5 ये ऑफिसर्स रहेंगे, इन सब के एड्रेस और कॉलिंग नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है जिससे कुछ भी इमरजेंसी हो लोग कॉल कर सकें। आप देख सकते हैं राजस्थान कितना ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है सिक्योरिटी मामले में। सही बात है, करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। शहर की सिक्योरिटी तो पुलिस वाले करेंगे, अपनी कौन करेगा? मैं करूंगा, तुम्हारा भाई। भाई तेरे से तो बचा रहे हैं। अरे यार मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता भाई। भाई भाई डर मत, डर मत, कुछ नहीं होगा। दे भाई इसको दे। ले भाई ले। थैंक यू भाई। ले ले पता कैसा है? ले ले भाई कैसा है भाई? अच्छा बना, अच्छा बना ना। पर अब कल बात करते हैं क्योंकि मुझे आ रही नींद, दर्शक को आ रही नींद, तुझे करनी है एडिटिंग। देख लेकिन हम डाउनलोड जाएंगे 12 बजे, देखो 6 बजे उठना है। कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में सो जाऊंगा। अब सच सुन लिया, ये इसलिए कामचोर बोलते हैं इसको, इसलिए मेरी गाड़ी 11 से लेकर अब 6 का माइलेज दे रही हो फॉर्च्यूनर। पर सुन मेरी बात, क्यों दे रही 6.5 का फ्यू फॉर्च्यूनर लेकिन जा रहे हैं 3 दिन से? तेरी मम्मी कसम खा ले 2 दिन से 5 घंटे लेके गए। बता बता भाई क्या झूठा आदमी है ये, बहुत झूठ बोलता है ये भाई। गाड़ी के अंदर बैठ के ना 6.3 का दे रही है, गाड़ी में बैठ के एसी चला के सोता रहता है, इस चक्कर के अंदर दे रही है। भाई सुन मेरा काम हो जाता है। हाँ। उसके बाद सो जाता हूँ। तो तेरा काम है क्यों पहले होता है? तो वो पूरे टाइम दौड़ता रहता है, मेरा फोटो ली 5-10-15 सो गया। तो देख लिया इसकी शिकायत होगी कल, देख कल इसकी शिकायत होने, कल ये डंडों से पिटता देगा। मैं और काम 25 करते हैं। Yes. अरे यार छोड़ो अब यार, अपन एंजॉय करते हैं दर्शील, चीयर्स करो पहले तो। और अब हम दोनों सोते हैं, पहले बताओ दूध साफ कौन करेगा? दूध साफ उसमें बचा हुआ कोई पिएगा पहले तो ये बताओ। अबे दर्शील मत भाग तो मत, अरे साथ तो रह ले। अरे यार तू ये लोग तो मेरे ऊपर डाल के चले गए इस चीज को, और अभी मैं साफ करूंगा। मैं आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इस ब्लॉग को तो यही एंड कर देते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। बाकी 5 अक्टूबर को याद रखना साथियों, हर ब्लॉग में बोल रहा हूँ, हर ब्लॉग में 5 अक्टूबर को आप सब लोगों को आना है। हम लोग 5 अक्टूबर को मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे साथ में मिलके, बढ़िया पार्टी वार्टी करेंगे, शानदार मीटअप करेंगे। तो याद रखना इस चीज को, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए चीयर्स।